अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम आयशा नूर इकबाल है और आज मैं एक छोटा सा वीडियो पैगाम आपको देना चाहती हूँ। मेरे वालिद आफताब इकबाल, जो कि एक सीनियर सहाफ़ी हैं, जिन्होंने कभी कोई कानून छिकनी नहीं की, जिन्होंने कभी फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन को मिसयूज़ करके हेट स्पीच नहीं बनाया, बल्कि हमेशा निगोसिएशन और प्यार मोहब्बत, अमन और शांति की बात की है, उनको आज दिन दिहाड़े उनके कमरे से घसीटते हुए चार वीगो डाले से उतरे हुए अजीबोगरीब लोग ले गए हैं, जबकि उनके अमले ने रेजिस्ट करने की कोशिश की है। उन्होंने उन्हें रोका कि भाई कोई वजह होती है किसी को पकड़ने की, कोई सर्च वारंट्स, कोई अरेस्ट वारंट्स, समथिंग, तो प्लीज़ आप हमें बताएं। उन्होंने रख के उन्हें थप्पड़ दिए और उसके बाद उन्होंने उन जो बाकी कामला था, जो साथ खड़े लोग थे, उन्हें कहा कि आप नीचे लेट जाएं वरना हम आपको शूट कर देंगे। सो ये किस किस्म की दहशतगर्दी है? ये क्या क्या पाकिस्तान है? ये क्या जंगल का कानून है? ये क्या सिलसिला है कि जो जिसका दिल करेगा वो चादर और चार दीवारी को जो है वो उसकी बेहुर्मती करेगा अंदर घुस के, जब दिल करेगा जिसको पकड़ेगा बगैर सर्च वारंट्स के, बगैर किसी मुकदमे के, बगैर किसी एलिबाई के उठा के ले जाएगा? क्या सिलसिला है ये? उनको उठा के उनके कमरे से घसीटते हुए वो लेके गए, जबकि मेरे वालिद ने कहा कि एक मिनट रुक जाइए, मैं खुद सरेंडर कर देता हूँ, मैं आपके साथ जा रहा हूँ, आई एम गोइंग, बट डोंट हिट माई अमला।